आईपीआर लॉ लेक्चर्स के इन वीडियोस के माध्यम से हम आईपीआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कॉपीराइट सोसाइटीज के बारे में बात करेंगे। कॉपीराइट सोसाइटीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इनका क्या फंक्शन है, तो इन टॉपिक्स के ऊपर आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। और एट द एंड हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी समझेंगे। अपने कल के वीडियो में हमने कॉपीराइट लाइसेंसिंग को अच्छे से समझ लिया है, तो आइए बात करते हैं कॉपीराइट सोसाइटीज। कॉपीराइट सोसाइटीज क्या, हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सोसाइटी, जो कि रजिस्टर्ड किया गया हो, कॉपीराइट ओनर के द्वारा, डिफरेंट कॉपीराइट ओनर्स के द्वारा कलेक्टिवली एक साथ मिलकर के, जब एक से अधिक कॉपीराइट ओनर्स एक साथ मिलकर के एक सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराते हैं ताकि वो अपने कॉपीराइट के रिगार्ड में अपने राइट्स, अपने प्रिविलेजेस को सिक्योर कर सके, टू सिक्योर देयर राइट्स एंड प्रिविलेजेस रिगार्डिंग देयर वर्क। तो उस सोसाइटी को हम कहते हैं कॉपीराइट सोसाइटीज। अब यहां पे सोसाइटी का मतलब है जब दो, चार, छः, सात, मतलब जब एक से ज्यादा कॉपीराइट ओनर्स कलेक्टिवली एक सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी को हम कहते हैं कॉपीराइट सोसाइटीज। कॉपीराइट सोसाइटी इज अ रजिस्टर्ड कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी। ये क्या है? ये एक रजिस्टर्ड कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी है। दिस सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय कॉपीराइट ओनर्स। ठीक है, द मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी इज 7। तो कॉपीराइट सोसाइटीज का फॉर्मेशन लीगली कम से कम 7 कॉपीराइट मेंबर्स एक साथ मिल करके करा सकते हैं। जैसे जब हम पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड कराने के लिए, वैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए देर इज मिनिमम 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स होने चाहिए। तो उसी तरह से कॉपीराइट सोसाइटीज़ को रजिस्टर्ड कराने के लिए या इन्हें ऑपरेशन में लाने के लिए कम से कम 7 कॉपीराइट ओनर्स चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957, इट स्टेट्स दैट कॉपीराइट सोसाइटी इज अ रजिस्टर्ड कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी। क्या है, याद रखो, इट इज रजिस्टर्ड कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी। और कॉपीराइट सोसाइटी का जो प्रोविजन है, कॉपीराइट सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का जो प्रोविजन है वो हमारे कॉपीराइट एक्ट 1957 में है। सेक्शन 33, ठीक है। तो कॉपीराइट सोसाइटी एक रजिस्टर्ड कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी है एंड सच सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑथर्स एंड कॉपीराइट ओनर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर वर्क।
there should be at least 7 members to form a copyright society and register it. So basically, minimum 7 members होंगे copyright societies को registered करने के लिए, और ये copyright owners अपने copyright work को secure करने के लिए, अपने protection के लिए, अपने copyright protection के लिए इस society को registered करते हैं, ताकि कोई outsider इनके work को infringe ना कर सके. Now, what are the objectives of this society? Pehla, the object of copyright societies are to protect and promote the interest of rights of owner of copyright. The copyright owners ke interest ko secure karne ka, protect karne ka aur promote karne ka jo objective hai, wo is society ka hai, copyright society. Dusra, copyright act 1957 prohibits any person or society to deal in copyright such as granting of licenses and permissions etc. unless such society is registered under this act. तो अगर आपका society, आपका copyright society इस particular act के तहत registered है, तो केवल उसी society के पास ये right है कि वो license या permission grant कर सकता है regarding copyright. Other societies ऐसा काम नहीं कर सकते हैं. तीसरा क्या है, copyright societies are also authorized to watch out for infringement of copyright. तो basically copyright societies infringement से copyright owners को बचाती हैं. They having the option to take legal action against the infringer because their society, their copyright society is registered under Copyright Act 1957. और इस सोसाइटी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कॉपीराइट ओनर्स के राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए. ठीक है, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस हैं. देखो, कॉपीराइट सोसाइटीज डिस्चार्जेस फॉलोइंग फंक्शंस. पहला, दे ग्रांट लाइसेंस ऑफ कॉपीराइट इन वर्क ऑफ रिप्रोडक्शन, परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन टू द पब्लिक. तो बेसिकली लाइसेंस देने का काम करता है कॉपीराइट सोसाइटीज इन द वर्क ऑफ रिप्रोडक्शन. किसी ओरिजिनल वर्क को आपने रिप्रोड्यूस किया, उसमें कुछ चेंजेस लाया, कुछ वेरिएशन लाया, तो उसमें आपको लाइसेंस मिल सकता है. दूसरा, टू लोकेट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट एंड इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स. ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब 7 कॉपीराइट ओनर्स एक साथ इकट्ठा होकर अपने सोसाइटी को कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत रजिस्टर्ड कराते हैं ताकि ये अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके रिगार्डिंग देयर वर्क, तो वो सोसाइटी को हम कहते हैं कॉपीराइट सोसाइटीज. ठीक है, चलो एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लीगल रिप्रेजेंटेटिव, देखो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप क्या समझते हैं. कॉपीराइट एक्ट 1957 का सेक्शन 2F डिफाइन करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को. ठीक है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी डिफाइंड है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो लॉफुली डिजीज्ड पर्सन यानी मृतक व्यक्ति के इस्टेट को रिप्रेजेंट करे, जो मृतक व्यक्ति के जायदाद को या जागीर को रिप्रेजेंट करे लॉफुली, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है. जैसे फादर के मरने के बाद उसके प्रॉपर्टी के ऊपर किसका राइट होगा, कौन क्लास वन हायर में आएगा, तो उसका सन. तो सन इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज फादर. दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2F ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957. द वन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द ईस्टेट ऑफ
डिजीज्ड पर्सन नोन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये था कॉपीराइट सोसाइटी, ऑब्जेक्ट फंक्शंस और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब आईपीआर में केवल एक टॉपिक रह गया है, इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस ऑन आईपीआर, उसे हम कवर करेंगे। और इस तरह से आईपीआर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने इन वीडियोस के माध्यम से कवर किया है। ठीक है, तो अगर ये एफर्ट आपको अच्छा लगा है, मेरे वीडियोस अगर आपको किसी मैनर में हेल्प करते हैं, तो बस आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।